मैंने वर्ष 2014 अगस्त माह में खूंटी प्रखंड के डाड़ीगुटू पंचायत के अंतर्गत सलगाड़ी गांव के पांडू मुंडा सहित अन्य 20 ग्रामीणों के घरेलू सोलर लाइट की समस्या पर एक वीडियो बनाई थी, जिस पर आज बदलाव आ चुका है। मैं अमिता और ये है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। अले ये लेकर के तो जितन व्यवस्था बन मैं व्यवस्था तय की ना ब्लॉक साथे या मैं सूचना नाम लेना ची या आपे सोलर लाइट पे बसावा इनाते सिकड़ा तो सिकड़ा आपे या फरम फेरे पे आन एक सप्ताह बीतेर गया आपे आ दिया उड़ू आमने आ को काजी ले लिया आन इन्हें को काजी ले ले ची इंसान साखो तक काड़ी काड़ी कुलात क्या ते पैसा कुले आसे के इकुआ आन ले आसे के इकुची ले फेरे एक दा आर फेरे एक दा ते अने दो साल लेका हुआ होता ना आसंते जितन ये इस गांव के कुल 20 ग्रामीणों ने सोलर लाइट के लिए अंशदान को उप विकास आयुक्त कुटी के नाम से दे डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर आवेदन पत्र को प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सितंबर 2012 में जमा किया गया था। इस पर वीडियो बनाने के बाद 23 फरवरी 2015 को उपायुक्त महोदय खूंटी को ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा इस समस्या से अवगत कराया गया। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी खूंटी को इस मुद्दे पर बनाए गए वीडियो को दिखाया गया। मालूम चला कि 2012 ईस्वी में सोलर वितरण के लिए लाभुकों से राशि लिया गया था ड्राफ्ट के माध्यम से, परंतु किसी कारणवश सरकार के द्वारा सब्सिडी ना मिल पाने के कारण ये योजना रद्द कर दी गई और निर्देश दिया गया कि लाभुकों को ये राशि वापस कर दिया जाए। चूँकि पिछले साल से ये राशि दिया जा रहा है और मैं कोशिश किया कि जो राशि सरकार से प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ कि शीघ्र और शीघ्र पूरे प्रखंड में जितने लंबित मामले हैं उन सभी को राशि वापस कर दिया जाए, ताकि लाभुकों को इससे लाभान्वित हो सके। जीवनों पे नाम किया 850 किया तेरे नाम किया लोगों को 970 आज बिली परे ले चु आज लोगों को 1093 परे ले को इनको 1009 किया थे वापस पैसे लेना मिले। द चिमुन जन को मार के पिया 15 जन को उम्र डाले। तो इस काम से आप खुश हैं? इस काम से हम खुश तो हैं, साथ ही हम ये चाहेंगे कि इस तरह का काम और भी हो जो वीडियो वॉलंटियर्स के कार्यकर्ता निभाते हैं समस्याओं को लेकर, तो इस तरह की समस्याएं का समाधान हो, क्योंकि दुनिया में समस्या समस्या ही ना रह जाए, समस्या का समाधान इस तरह के वीडियो के माध्यम से और इस तरह के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी काम है। मैं इस पहल के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी खूंटी विनय मनीष आर लकड़ा को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने 2 वर्ष से लंबित घरेलू सोलर लाइट का राशि ग्रामीणों को उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।